हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री बीएल मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था, एग्जांपल नंबर 4 तक कर लिया था। आज हम इसके आगे के एग्जांपल्स कर रहे हैं और ये एग्जांपल आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखो, एग्जांपल नंबर 4 तक हमने किया था, उसमें क्या था, एडिशन वाले चल रहे थे कि इधर से इधर ले गए तो एडिशन का हम सब्ट्रैक्शन में आ गया या सब्ट्रैक्शन का एडिशन में चला गया, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाले है और पूरी इक्वेशन वाले भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। क्या दे रखा है, x अपॉन 2, सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। x अपॉन 2 बराबर में क्या है, 5 है, बराबर में क्या है, 5 है। तो यहाँ देखना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। तो इसका क्या कर लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है तो हम उसका क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखो, x को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 1 से, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 5 से। तो x बन जा x बराबर 5 इंटू 2 कितना आ गया, 10। तो x बराबर 10 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। x बराबर 10 इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। x बराबर 10 इस इक्वेशन का क्या हो गया, रूट हो गया। तीन नाम बोल सकते हैं हम इसका, सॉल्यूशन, रूट या इसका आंसर, ठीक है। अब देखो, एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 6 सेम ऐसा ही है, x अपॉन 5 बराबर क्या है, 15 है। x अपॉन 5 बराबर में क्या है, 15 है। 15 से क्या करना है, अब नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। फिर हम क्या कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई 1 बराबर 15 मल्टीप्लाई 5। x मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, x। 15 इंटू 5 क्या होता है, 75। 15 इंटू 5 क्या होता है, 75। तो ये आंसर हमारे क्या आ गया, x बराबर 75। तो x बराबर 75 क्या हो गया, इस इक्वेशन का रूट हो गया या सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये तो रही बात, जब ऐसे अपॉन में भी हो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पे तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक्स एक्स वाले टर्म को एक तरफ रख लो और जो नंबर है उसको एक तरफ करना है हमें। हमें क्या करना है, एक्स के टर्म्स को एक तरफ रखना है और नंबर्स को एक तरफ रखना है। तो देखो, 0.2, अब यहाँ पे ये किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। 0.2 एक्स किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। ये तो मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाएगा, तो किस में जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाने पे वो किस में हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है, और अगर इधर डिवाइड में होता तो उधर जाने पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में। जैसे इधर देखो, ये इधर डिवाइड में था एक्स के, तो ये उधर गया तो किस में हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है तो ये उधर जाने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट उड़ा देते हैं। पॉइंट उड़ाने के बाद इसका भी उड़ा दिया, इसका भी उड़ा दिया, तो इसका 1 और फिर 0, इसके कितने 0 आ जाएंगे, पीछे 2 0 आ जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल में 24 आ रहा है, 12 बार, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 12 अपॉन 10। अब एक 0 है तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़ के क्या लगा दिया हमने, पॉइंट लगा दिया। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई, 12 अपॉन 10 या फिर 1.2। x की वैल्यू क्या हो गई, 1.2, तो रूट क्या हो गया, 1.2। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 8 भी आपको करना है, सेम यही है, वो आपको अपने आप करना है, ठीक है। वो होमवर्क है आपका, हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 9, ठीक है। क्या दे रखा है, 10x-7 बराबर 8x+13, ये दे रखा है। अब मैंने आपको अभी बताया कि x x की टर्म को एक तरफ कर लो और नंबर को एक तरफ कर लो, तो यहाँ पे x की टर्म कौन सी है, ये, इसको इधर ही रखते हैं हम। अब नंबर को उधर भेजना है हमें और x की टर्म को इधर लाना है, तो ये 8x किसका है,
प्लस का इधर आता है तो किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है, तो माइनस एट एक्स, माइनस का एट एक्स बराबर 13। ये माइनस का था, इधर आएगा तो किसका हो गया, प्लस का हो गया, किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो क्या आ गया, प्लस में 7। 10x माइनस 8 कितना हो गया, 2x। क्या आएगा, x तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे 10 में से 8 गए तो कितना बच गया, 2 बच गया। अब देखो यहाँ पे 13 प्लस 7 कितना हो गया, 20 हो गया। अब वापस से देखो यहाँ पे ये किस में, मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कट गया, कितनी बार आ गया यहाँ पे, 10 बार। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे क्या आ गई, 10 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ से, 10 आ गई। तो इसी तरीके से आपको ये सारे एग्जांपल्स करने हैं, 5th एग्जांपल से लेकर 9th एग्जांपल तक। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो है एग्जांपल नंबर 9 से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब हम, थैंक यू।